मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान की पुताई कर रहे मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर उसे बचाने की कोशिश में झुलस गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय उस्मान वार्ड नंबर 4 के एक मकान में किराए पर रहता था। इस मकान को उसे खाली करना था और उसे पड़ोस में ही दूसरा मकान किराए पर लिया था। उस्मान आज सुबह मकान की पुताई कर रहा था, इस दौरान वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। वहीं बचाने के लिए साथी मजदूर जमीन ने जैसे ही उस्मान को टांग पकड़कर खींचा तो वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया। इस घटना के बाद मोहल्ले में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने बिजली घर पहुंचकर विद्युत सप्लाई बंद करवाई और आनंद फानंद में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदरकी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उस्मान को मृत घोषित कर दिया, जबकि जमील की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि मोहल्ले में कन्या इंटर कॉलेज की तरफ से आने वाली 33,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है, जिसमें उस्मान की मौत हो गई है। वहीं जमील की हालत गंभीर बनी हुई है। जो उस्मान है एक लड़का और जमीन, जिसने ये लोग असल में किसी के मकान पे पुताई वगैरह कर रहे थे, दोनों अकेले ही थे। पुताई करते समय ये 33,000 की जो कंटेंडर पॉलिसी लाइन रिहायशी इलाके में जा रही है, और इसमें जब उन लोगों ने पुताई कर रहे थे तो उसमें चपेट में आ गए एक लड़का, तो उसने जमीन ने उसे बचाने की कोशिश करी, जिसकी उस्मान की मौके पर डेथ हो गई। यहाँ आके जब देखा अंदर की CSC में, तो यहाँ पर मृतक घोषित कर दिया गया उसको, और जो दूसरा जमील था उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है, उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया है।